दोस्तों, शांति, सुकून और आराम से सोना सभी चाहते हैं, लेकिन घरों में मच्छर रहने से हमारी रात की पूरी नींद खराब हो जाती है। इसीलिए हम सभी का साथ गुड नाइट ने बड़ी बखूबी से निभाया है, जिस कारण से गुड नाइट हम सभी के घरों का बेहद हिस्सा बन चुका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में गुड नाइट रिप्लेंट की पूरी कहानी। बात उस समय की है जब भारत में लोग मलेरिया, डेंगू जैसी घातक बीमारियों से परेशान थे, क्योंकि उस समय मच्छर काटने से लोगों को इस बीमारी से मौत हो जाती थी। इसीलिए छोटे बच्चों की मां को सदैव अपने बच्चों की चिंता बनी रहती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1983 में आर मोहन नाम के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा बनाने के पीछे लग गए जो मच्छरों को भगा सके। इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट गुड नाइट मैट को बाजार में लॉन्च किए, जो इलेक्ट्रिक से चलती थी। भारतीय बाजार में गुड नाइट मैट को बहुत पसंद किया जाने लगा। उस समय विदेशी कंपनी मच्छर भगाने के लिए पेस्टिसाइड से बने अगरबत्ती को बाजार में लाते हैं, जो यह गुड नाइट मैट की तुलना में बहुत सस्ती मिलती थी, जिस कारण से लोग गुड नाइट को खरीदना कम कर देते हैं। जब यह बात कंपनी के डायरेक्टर को पता चलता है तो वह डिसाइड करते हैं कि हम भी अब बाजार में गुड नाइट के कॉइल लाएंगे, क्योंकि गुड नाइट मैट इलेक्ट्रिक से चलती थी और भारत के गांवों तक इलेक्ट्रिक की सुविधाएं बहुत कम थी। जब कंपनी ने लाल रंग में जंबो कॉइल्स को बाजार में लाया तो शहर से लेकर गांवों तक लोग जंबो कॉइल को यूज़ करने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बाजार में लाता गया, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, गुड नाइट स्प्रे, गुड नाइट रिफिल, गुड नाइट कॉइल, गुड नाइट नीम अगरबत्ती एंड मैनी मोर। गुड नाइट ने अपना प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचाने के लिए माँ और बच्चों के कॉम्बिनेशन का टीवी में एडवर्टीजमेंट भी लाया, जिससे हर घर में लोग पसंद करने लगे। 1994 में आर मोहन ने गुड नाइट ब्रांड को गोदरेज कंपनी को बेच देते हैं, जिसके बाद गुड नाइट के प्रोडक्ट में गोदरेज का नाम जुड़ गया। गोदरेज कंपनी की स्टोरी जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। आज गुड नाइट भारत में अकेले सबसे ज़्यादा मॉस्किटो रिपेलेंट बेचे जाने वाली कंपनी बन गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।